हेलो जी नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और आज मैं आपको बनाने सिखा रहा हूँ तंदूरी चिकन। अब खास तौर से बैचलर लाइफ जब आप जीते ना तो तंदूरी चिकन जरूर करते हैं, है ना जी। मतलब कोई भी रेस्टोरेंट में जाके जब मौज मस्ती होती है तो पहला ऑर्डर तंदूरी चिकन ही होता है। अब लगता है कि वापस हॉस्टल में आ गए या अकेले रह रहे हैं बाहर, तो भैया आप कैसे बनाएं? ना ओवन है ना प्रेशर कुकर है, माँ बाप ने एक इंडक्शन और एक फ्राइंग पैन दिया। तो भाई फ्राइंग पैन में कैसे बनाएंगे आज आपको वो बताऊंगा, बड़ा सिंपल तरीका है, नोट करें सारी चीजें। तो लो जी चिकन को हमने तैयार कर लिया। अब फर्स्ट मैरिनेट, दो मैरिनेट्स होते हैं हर एक कबाब में, बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये हमने दो चिकन लिए हैं, इसलिए दो टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, दो बड़े चम्मच, ठीक है जी। और इसमें कश्मीरी चिली पाउडर, या आप कश्मीरी चिली बोल लें, उसे गर्म पानी में डालें, उबालें, मतलब फिर पेस्ट कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पाउडर है कश्मीरी चिली पाउडर, ये भी यूज़ कर सकते हैं। दो बड़े वाले तंदूरी चिकन लिए हमने, इसलिए दो टीस्पून इसमें मैं डाल लेता हूँ कलर के, ठीक है जी। नमक स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि दो तंदूरी चिकन है तो स्वाद तो होगा ही, लेकिन आपने 1.5 टीस्पून डालना है, ठीक है जी। ये लीजिए, और इसके साथ साथ लेमन जूस, एक बड़ा नींबू का जूस ये डाल लें। अब ये सारी चीजें डालने के बाद थोड़ा सा हाथों का इस्तेमाल करना होगा आपको, अच्छे से चिकन को मसाज करना होगा। और जो खुशबू आनी चाहिए वो कौन सी है मैं आपको बता दूं, आपको चिल्ली का स्मेल आना चाहिए, आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट का एक फ्लेवर आना चाहिए, और थोड़ा सा मैरिनेट को अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से यू कैन ऑलवेज चेक एंड यू कैन ऑलवेज टेस्ट वेदर इट इज लिटिल सार और नॉट, और नमक सही है कि नहीं, एंड देन यू कैन ऑलवेज यू नो यू डोंट हैव टू टेक इट इनसाइड, अंदर नहीं लेना आपने, आप बस टेस्ट किया एंड देन, तो ये आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अंदर ले, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट मैरिनेट, जिससे चिकन में थोड़ा सा कलर आ गया, बढ़िया, वाह। ये मैरिनेट हमने रख लिया, यहाँ पे हाथ धो लेते हैं। अब जो कबाब्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, भुना हुआ बेसन बनाना, वो कैसे बनाना है मैं आपको बता दूं। मैं राई का तेल ले रहा हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी लेके रख सकते हैं और बना के रख सकते हैं। अगर रेस्टोरेंट वाले हैं तो डेफिनेटली हम बहुत सारा बना के रखते हैं, बट यहाँ पे मैं राई का तेल ले रहा हूँ, 3 बड़े चम्मच मैंने ले लिए। इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन का डाल लेते हैं, और इसके साथ साथ क्योंकि ये मैं सिर्फ तंदूरी चिकन के लिए बना रहा हूँ और दो तंदूरी चिकन यूज कर रहे हैं, तो 2 बड़े चम्मच बेसन के पास, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। अगर मैं बोनलेस कबाब्स बनाता तो शायद मुझे बेसन थोड़ा ज़्यादा लगता, बट तंदूरी चिकन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम चाहिए होता। और धीमी आंच पे आपने लगभग 2 मिनट तक भूनना, ताकि बेसन की खुशबू वो बहुत बढ़िया आ जाए, तब आप समझ जाएं। कच्चा नहीं रहना चाहिए, कच्चा रहेगा तो आपको कबाब में एक कच्चापन आएगा, बहुत जरूरी है आप चेक करते रहे, और ब्राउन भी नहीं होना चाहिए। तब जैसे ही एक बढ़िया सी खुशबू आने लगी बेसन की, मैंने बेसन को आंच से निकाल दिया और पैन की गर्माहट से बाकी ये बेसन पक जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई रेड मैरिनेट, रेड चिल्ली वाला मैरिनेट या स्पिनच का मैरिनेट हो, तो थोड़ी सी हल्दी जब डलती है ना तो ब्राइटनेस बढ़ जाती है, इसलिए मैं थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल रहा हूँ, 1/4 छोटा चम्मच 2 तंदूरी चिकन के लिए। ये देखिए ब्राइटनेस बढ़ गई, अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है, हमें सेकेंड मैरिनेट बनाना है, एक दूसरा मैरिनेट। अब उसके लिए कई जगहों पे मैंने खुद भी बताया है कि हंग कर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अब बैचलर्स जो हैं वो कहाँ मलमल का कपड़ा ढूंढेंगे, या कई लोगों के घर में मलमल का कपड़ा नहीं होता। दो तंदूरी चिकन यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए नॉर्मल जो योगर्ट है वो मैं ले रहा हूँ,
और ये लीजिए, ये मैक्सिमम आधा कप लें। अच्छा, इसके कुछ कुछ साइंटिफिक कारण भी है कि आपको आधा कप क्यों कह रहा हूँ, दही भी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो चिली है ना वो योगर्ट फैट सॉल्युबल होनी चाहिए और उससे आपको कलर बटर मिलता है और बड़ी सारी चीज़ों का फ़ायदा दही के साथ भी होता है। और दही में जब मैरिनेट होता है तो तंदूरी चिकन बेटर भी होता है और सॉफ्टनेस भी आती है, एक खटास भी आती है, एक एसिडिटी भी आती है। तो ये इसके साथ साथ दो छोटे चम्मच लाल मिर्च कश्मीरी, ठीक है जी, ये डाल लिया आपने, और थोड़ा सा काला नमक ये मैं लूँगा, मुझे ये काफ़ी पसंद है, पंच मिलता है, तो एक चौथाई छोटा चम्मच काला नमक। वापस नमक बिल्कुल ध्यान से डालेंगे आप, यहाँ पे भी जो है आधा छोटा चम्मच ही डालें, पहले ज़्यादा ना डालें। और ये जो मेरे पास बेसन है ये मैं सारा मैरिनेट इसमें डाल लेता हूँ, विस्क लेके, ये लीजिए, वाह। अब जैसे मैंने कहा आपको कि ब्राइटनेस बढ़ जाती है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने हल्दी डाली थी तो ब्राइटनेस बहुत बढ़िया हो गई है। चिली पेस्ट डालेंगे तो और भी ब्राइट होगा। ये बेसन से एक काम हो गया कि दही में जो पानी था ना वो होमोजेनस हो गया, मिलके छूटेगा नहीं, पानी अलग नहीं होगा। एंड फाइनली गरम मसाला, अगर आप खुद बनाते हैं, रेस्टोरेंट वाले खुद बनाते हैं तो खुद बनाएं और डालें। ये लीजिए 1.5 टीस्पून दो तंदूरी चिकन के लिए ये हमने डाल लिया गरम मसाला। पकने के बाद कुछ कुछ और चीज़ें करनी होती है वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये मैरिनेट तैयार। खुशबू बढ़िया, राई का तेल से जो फ्लेवर बनता है वो बहुत यूनिक बनता है और वो सबसे ज़रूरी है तंदूरी चिकन में। आपने फर्स्ट मैरिनेट जो है वो 15 से 20 मिनट करके रखना है और उसके बाद सेकंड मैरिनेट में आपने डालना है ये चिकन। अब जो है 20 मिनट बाद फर्स्ट मैरिनेट में ही चिकन पड़ा हुआ है और सेकंड मैरिनेट हमारा तैयार हो गया है। नेक्स्ट स्टेप, ये चिकन ले लें और ये लीजिए, ये इसमें डालें बढ़िया तरीके से, वाह क्या बात है। और ये चिकन को एक और बोल में रख लें इस तरह से, सुपर कलर, बहुत बढ़िया। ये लीजिए, और ये जो सारा मैरिनेट बचा हुआ है ये ऊपर से डाल लेते हैं। अब ये जो चिकन मैरिनेट किया है ये कम से कम 2 से 3 घंटे अगर पड़ा रहेगा इस मैरिनेट में तो क्या क्या होगा मैं आपको बताऊं। एक तो फ्लेवर जो है बिल्कुल चिकन के अंदर तक जाएगा और आप जब चिकन पका के खाएंगे तो आपको अंदर तक सॉल्ट, खटाई, मसाले सब मिलेंगे, और ये नंबर वन। नंबर टू, जब आप इस रेड चिली में मैरिनेट करके रखते हैं तो बिना कलर के हैं तो कलर भी आपको बहुत बेहतरीन मिलता है, साथ ही साथ जो राई का फ्लेवर इन्फ्यूज़ होता है वो भी बहुत मज़ेदार होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है मिनिमम 2 से 3 घंटे मैरिनेट होना ही चाहिए, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपको शाम को बारबेक्यू करना है तो दोपहर को आप कर लें, बिल्कुल। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ओवरनाइट आपने फर्स्ट मैरिनेट कर दिया, फिर दोपहर को जो है आपने सेकेंड मैरिनेट किया और बारबेक्यू जो है रात को किया, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो मिनिमम 2 hours marinated in this marinade. तंदूरी चिकन मैरिनेट कर लिया हमने। अब कई सारे बैचलर्स जो रहते हैं, जो नौकरियां करने विदेश भी जाते हैं या हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों में जाते हैं तो बैचलर लाइफ जीते हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता किचन में, एक इंडक्शन होता है और एक फ्राइंग पैन सा ज़रूर होता है। तो तंदूरी चिकन अगर बना के उसका मज़ा लेना है तो क्या करना है, सिंपल है जी, फ्राइंग पैन लें, ऑन करें, उसमें से थोड़ा सा तेल डालें और जो मैरिनेटेड चिकन है जो हमने मैरिनेट किया उस पर रखें और पकाना शुरू कर दें। हाई हीट में पकाएं पहले और उसके बाद हीट लो कर दें। हाई हीट इसलिए ताकि फटाक से जो है वो सील हो जाए जूसेस, और वो सबसे ज़रूरी है। जैसे ही जूसेस जो है वो सील होते हैं तो पानी नहीं छूटता, पानी ज़्यादा छूटना नहीं चाहिए,
आप कुछ कर नहीं पाएंगे उसके लिए, क्योंकि मैरिनेट वो भी थोड़ा वाटरी निकलेगा, वो जैसे जैसे ड्राई होगा आप एक ब्रश या चम्मच से उसके ऊपर मैरिनेट जो है वो ऊपर से चिकन के डालते रहें, और बटर ब्रश जरूर करें, ठीक है जी, ये भी बहुत ज़रूरी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से पैन में जो है ना वो भी 12-14 मिनट में हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, 10-12 मिनट में एक्चुअली हो जाना चाहिए। पैन में आपको दिख ही जाएगा, एक और तरीका होता है कि जब आप पका रहे हैं एक 6-8 मिनट बाद आप नाइफ से थोड़ा सा पियर्स करके देख सकते हैं, पक गया तो बहुत बढ़िया है, निकाल लें। बटर ब्रश करना भूलिएगा नहीं, और चिकन को पलटना भी भूलिएगा नहीं बीच में, फ्राइंग पैन में पकाने। अब तंदूरी चिकन को मैरिनेट कर लिया हमने, जैसे मैंने कहा कि जब आप बैचलर लाइफ जीते हो, अकेले कहीं काम करने जाते हो या पढ़ने जाते हो, आपको घर पे लड़कों के बीच में या अपने फैमिली फ्रेंड्स या एक्सटेंडेड फ्रेंड्स जो होते हैं उनके लिए तंदूरी चिकन बनाना, तो क्या करेंगे, ना ओवन है ना प्रेशर कुकर है, तो बस सिर्फ फ्राइंग पैन। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, फ्राइंग पैन विथ लिड होना बड़ा ज़रूरी है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हीट जो है तभी ठीक से सर्कुलेट होगी, और जो मैरिनेट गिर के पैन में कार्बोनाइज भी होगा उससे जो स्मोकी फ्लेवर आएगा वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए पैन को पहले थोड़ा हीट कर लेना है अपने इंडक्शन में या चूल्हे में जो भी है, थोड़ा सा गर्म कर लें और उसमें थोड़ा तेल डाल लें, ब्रश कर लें, और ये जो चिकन है ये मैं डाल देता हूँ। और ध्यान रहे ब्रेस्ट का जो बोन हिस्सा है वो नीचे होगा और जो ब्रेस्ट का ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर साइड ही रहे, सेम वे लेग का भी एक साइड जो है हाई साइड ऊपर रहता है और जो दूसरा साइड वो नीचे रहेगा, और इसे मैं ढक के ये देखिए हाई हीट पे बिल्कुल पकाऊंगा, और इसे थोड़ी देर बाद, अब क्योंकि दिख रहा है करके आपको पता चल जाएगा कि कितना पका है, कब ब्रश करना है, फिर भी आप मिनिमम ये पकड़ के चलिए कि पहले हाई हीट पे फिर मीडियम हीट करना है, पहले हाई हीट पे पकाएं कम से कम 3-4 मिनट, फिर हीट लो करें, फिर 3-4 मिनट पकाएं, फिर ब्रश करें, फिर 6-8 मिनट और पकाना है ताकि बढ़िया कलर आए, तो लगभग 15-16 मिनट पूरा पकाएंगे हम इसे। अब तंदूरी चिकन जो फ्राइंग पैन में पक रहा है कम से कम 6-8 मिनट तक हमने इसमें पकाया है, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, ध्यान रखना होगा आपको, और वो इसलिए ताकि पूरा पानी ना सूखे, मैरिनेट जो है वो मेल्ट होते जाता है और वाटरी होते जाता है, उसे हमें ड्राई करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको चिकन को पलटना होगा, टर्न करना होगा दूसरे साइड, क्योंकि बाकी ओवन वगैरह में नहीं करना होता, अगर एयर सर्कुलेशन और परफोरेटेड जाली में आपने रखा है तो यहाँ पे चिकन को पलट लेते हैं। ये देखिए ये बढ़िया, और इसमें मैं एक काम करूँगा, ये जो तेल वगैरह निकला हुआ है ये मैं चम्मच से इस तरह से आप वापस चिकन पे डाल दें, और एक काम और भी करेंगे, जो बचा हुआ मैरिनेट है वो भी थोड़ा थोड़ा सा लगा लें, तो ये आप काम कर सकते हैं, ठीक है जी, थोड़ा 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 सा बचा लें ताकि जब वापस टर्न करेंगे तो बढ़िया सा मैरिनेट जो बचा हुआ वो दूसरे साइड में भी लगा सकते हैं। अब वापस ढक के हम 4-5 मिनट तक पकाएंगे ताकि एक साइड बढ़िया कलर भी आ जाए और थोड़ा सा लास्ट में मैरिनेट भी हम लगा देंगे टर्न करके। तो एक बार वापस 4-5 मिनट तक पकाऊंगा, पहले लगभग 8-1 मिनट तक पकाया हमने, टर्न कर दिया, 4-5 मिनट तक और पकाना है, फिर मैरिनेट करेंगे, ब्रश करेंगे, वी आर डन। अब लगभग 4-5 मिनट पकाने के बाद हम वापस एक बार चेक कर लेंगे, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्लास लिड है तो मुझे दिख रहा है कि क्या हो रहा है अंदर, और जल तो नहीं रहा है, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं फ्राइंग पैन में। और ये देखिए बढ़िया चिकन, वाह, जो मैरिनेट हमने ऊपर से लगाया था वो देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है, अब चिकन को पलट लेते हैं, ये देखिए कलर आ गया बढ़िया, वाह
बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रिल मार्क आ गए हैं। और जैसे मैंने बताया, ये जो थोड़ा सा मैरिनेट बचा हुआ है ये हम लगा लेंगे और जो थोड़ा सा तेल निकला हुआ है उससे शाइन भी आ जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा ये ऊपर से। वाह क्या बात, मज़ेदार। वापस ढक के 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और इसके साथ साथ एक तैयारी और भी कर सकते हैं आप, क्योंकि फ्राइंग पैन में स्मोक नहीं कर सकते हैं आप या स्मोकी नहीं आता फ्लेवर, तो एक छोटी सी कटोरी में छोटा सा चारकोल अगर गैस बर्नर है तो उस पर आप कर सकते हैं, या कुछ और अरेंजमेंट, या फिर ऐसे भी चारकोल मिलते हैं जो बड़े जल्दी लाइटर से जल जाते हैं, वो एक स्टील की वाटी में आप जला के रख सकते हैं और उसमें थोड़ा सा बटर और लौंग डाल के इसी वक्त साइड में यहाँ दे सकते हैं ताकि बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आए, और वो मैं करूँगा अभी। और मैंने यहाँ पे ये छोटा सा चारकोल जो है ये जलाया है, इस पर लौंग डाल लेते हैं बढ़िया, और थोड़ा सा बटर जो है वो डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, लौंग का बढ़िया फ्लेवर। और ये देखिए ये स्मोक, और ये ढक दिया, क्या बात। अब ये देखिए धुआं जो है कैसे बिल्कुल आ रहा है, और थोड़ा सा धुआं मैं यहाँ पे बंद भी कर देता हूँ ताकि स्मोकी फ्लेवर जो है वो पूरा चिकन में बढ़िया तरीके से आ जाए। चिकन अब पूरा तैयार है, मज़ेदार है, और मेरे पास मेरी प्लेट भी तैयार है, गार्निश ये बिल्कुल तैयार करके रखा हमने, कैबेज थोड़ा सा लच्छा प्याज मसाला डाल के, टमाटो, और ये आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल में कैसा आपने इसे अरेंज करना है। और इसके साथ साथ चिकन ये लीजिए, वाह मोकी चिकन बढ़िया। और इस पे थोड़ा सा बटर ब्रश कर ले, थोड़ा सा चाट मसाला ये जरूर डालें ऊपर से, मजेदार हो जाता है। और करारा करने के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च और इर्द गिर्द भी डाल दें ताकि गार्निश जो है ना डस्ट जैसे गार्निश होती है वो दिखने लगेगी। सर सर तंदूरी चिकन फ्राइंग पैन में कैसे बना सकते, अब कितना आसान हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ मेरे चैनल में आए, सब्सक्राइब करें और बढ़िया बढ़िया रेसिपीज देखें।